बच्चा है, बच्चा का मुंह देख के रहता है दुनिया में, वो इन करेगा खाएगा, मेरे कुछ नहीं है। चारों ओर पानी का अंबार, और इस अंबार में जिन सड़कों पर गाड़ी और लोगों को पैदल चलना था, उन सड़कों पर नाव चलाने की मजबूरी आन पड़ी है। दरभंगा जिले के सोहरवा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, और चूंकि इस गांव में जाने का रास्ता नहीं है, लिहाजा हमने ट्रैक्टर का सहारा लिया है। सामने आपको मेरे कैमरा पर्सन विशाल राय तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक दूसरा ट्रैक्टर गांव से मुख्य सड़क की ओर जा रहा है, जहां पर तमाम लोग जो गांव में फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कराया जा रहा है। तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, और इसके अलावा कैमरे के नजरों से आपकी आप जो तस्वीर देख पा रहे होंगे, वो जहां तक देख पा रहे होंगे सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। चूंकि कुशेश्वर स्थान एक ऐसा जगह है दरभंगा का जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, और करीब 6 महीने लग जाते हैं यहां पर पानी से निकलने में। यहां नाव और ट्रैक्टर के सहारे एक जगह से दूसरे जगह जाने को मजबूर लोगों की दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब चारों ओर जलकुंभी का अंबार रास्ते का रोड़ा बन जाता है। सड़क पर चलते वक्त कहां गड्ढा है, कहां सही सड़क है, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए यहां पर लोग जो है वो बमुश्किल ही पैदल चल पाते हैं। इनफैक्ट ट्रैक्टर पर भी जब मैं चल रही हूं तो मुझे कहा गया है कि इसको पकड़ कर रखने के लिए, और पानी देखिए ऊपर तक पानी जो है वो आ चुका है। चलते चलते रास्ते में यहां हाल कुछ ऐसा हुआ कि जिस ट्रैक्टर पर हमारी संवाददाता निधि सफर कर रही है, वो ट्रैक्टर भी लगभग पानी में आधे से ज्यादा डूब गया। समेला गांव में करीब 3 महीने तक रहने वाली इस बाढ़ की वजह से अब लोग अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। समेला गांव में ट्रैक्टर से मैं और मेरे कैमरा पर्सन विशाल राय जरूर पहुंचे हैं, लेकिन यहां लोगों के घरों तक पहुंचने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए अभी भी पानी से चलकर जाना होगा। ट्रैक्टर के सहारे जब निधि समेला गांव के अंदर पहुंची तो उनकी मुलाकात गांव के ही जया देवी और अर्जुन चौपाल से हुई। जया देवी का पूरा घर पानी में डूब चुका था, घर में रखा चूल्हा चौका सामान तहस नहस हो गया था। पानी इस घर में ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे करके अभी पानी कम हुआ है, और पूरे घर में सिर्फ दलदल ही दलदल मुझे दिखाई दे रहा है। इस कैसी तस्वीर है घर के अंदर आपको जरा मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे होंगे, पूरा घर इन्होंने खाली कर दिया है, चूंकि अचानक बाढ़ आई और उसके बाद घर में जो सामान था वो धीरे धीरे करके बहने लगा, और इसलिए एक एक करके जो भी थोड़ा बहुत सामान इस परिवार के पास बचा था उसको यहाँ से इन लोगों ने शिफ्ट करा दिया है। अब जया देवी को समझ में नहीं आ रहा कि दिव्यांग पति और परिवार के छोटे छोटे बच्चों का पेट वो कैसे पालेंगे। एकाएक पानी आया तो कितने संभालते, जो समरा समरा ने सब भस भस गया सारा। कितने कब तक रहेगा पानी, कब तक रहेगा? आसिन तक रहता है, आसिन कार्तिक तक रहता है। अब यही स्थिति सालों सालों हो रहा है, तो अब क्या करेंगे। बाढ़ के पानी की मार से जया देवी की तरह ऋतु देवी भी परेशान है। ऐसे ही रहता है रोड पर, घर द्वार कुछ नहीं है, मगर समाज के मुंह देख के दिक्कत काट के रहता है। दुनिया में कैसे भी रहना है, दिक्कत सिक्कत काट के रहता है दुनिया में, दिक्कत सिक्कत काट के समाज के मुंह देख कर। हमारी संवाददाता निधि जब कुशेश्वर स्थान के ही दूसरे गांव लरनी पहुंची तो वहां का हाल और बेहाल था। घरों में कमरों तक पानी भरा था, और महिलाएं परिवार सहित इस पानी में गुजारा करने को मजबूर हैं। घर आप देख सकते हैं, अंदर इनका घर है और नीचे पूरा पानी ही पानी की जैसे चादर बिछ गई है इस इलाके में, और ऐसी ही स्थिति रहेगी अगले कुछ महीनों तक। खाना पीना हम लोग सतुआ लाते हैं, चूड़ा लाते हैं, वही बाल बच्चा को खिलाते हैं, हमको लाभ बांस नहीं है, हम लोग क्या करेंगे। बाहर कैसे जाएंगे आप लोग अभी? हाँ, बाहर कैसे जाएंगे, इसी तरह जाते हैं, ऐसे हिल के जाते हैं। कोरोना महामारी के बीच बिहार में लोगों के लिए बाढ़ बारिश की मुसीबत बीमारियों को दावत दे रही है। गांव के खेत खलिहान के साथ गांव के चौक पर लगने वाली दुकानें भी जलमग्न हो गई हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इस गांव का ये चौक है, और लिहाजा दोनों तरफ आपको कई दुकानें दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इन दुकानों में पानी था जो धीरे धीरे करके अब निकल गया है, लेकिन रास्ते पर सिर्फ पानी नजर आ रहा है। मतलब अगर मैं किसी के घर तक पहुंचूं या आसपास में पहुंचूं तो मुझे इसी पानी से होकर के जाना पड़ेगा।
निधि ने चौक पर सामान लेने आए रामचंद्र जाधव से जब बात की तो उनका सारा गुस्सा स्थानीय विधायक पर निकल गया। जा रहे घर पर जा रहे हैं, यही पानी में तैरते। घर किधर है आपका? समेला बस्ती पड़ता है। कब तक रहेगा पानी यहाँ? ये 3 महीना तक रहेगा। 3 महीने तक? हाँ। आप लोग मान बैठे 3 महीने से कम में तो पानी जाएगा। क्या करेंगे, MP MLA जैसा जीता है वैसे यहाँ सो जाता है, वोट लेके जाता है बस सो जाता है, देखने के लिए नहीं आता है। इस गांव में सिर्फ बाढ़ से होने वाली बीमारियां ही मुसीबत नहीं बढ़ा रही बल्कि कोरोना महामारी के बीच टीकाकरण अभियान भी इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हो रहा है। सेकेंड डोज लगने वाले थी, आज कैंप लगना था सवेला स्कूल पे, पानी के कारण अभी तक डॉक्टर नहीं आ पाया। मतलब आप लोग वैक्सीन का डोज इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पानी की वजह से नहीं पहुँचे? आ ही नहीं रहे हमारे यहाँ, कहते पानी है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी वैक्सीन की एक डोज लग गई है लेकिन बाढ़ के कारण डॉक्टर ना आ पाने से दूसरी डोज नहीं लग पा रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पहली ही डोज नहीं लगी है। सामने अस्पताल है लेकिन अस्पताल बंद है पूरी तरह, डॉक्टर्स वहाँ नहीं है और एक बड़ी वजह ये भी है कि वैक्सीनेशन यहाँ लोगों का नहीं हो पाया है, किसी का पहला डोज तो किसी का दूसरा डोज पूरा नहीं हो पाया है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पर करीब 10 साल से हर साल ऐसे ही बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी दिवाली तक लोगों के घर में बना रहता है। यहाँ साल दर साल चुनावी वादे भले बदल गए हों लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो इस जगह के हालात। कैमरा पर्सन विशाल रॉय के साथ संवाददाता निधि झा की रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।